एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू वॉचिंग एपिस्टेसिस। आज हम क्लास 11 के जो लास्ट चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। लास्ट चैप्टर इन द सेंस कि हमने क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो भी रिड्यूस सिलेबस इस साल का है दैट मीन्स 2020-2021 का, इसके इसमें जो सीबीएसई ने ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्विक रिविजन्स के वीडियो हैं। ओके, सो ये सीबीएसई क्लास 11 के ये सारे बायोलॉजी के टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं एंड उसके बाद हम लोग सारे इस पर्टिकुलर वो चैप्टर से नीट में लास्ट 32 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये जो चैप्टर है दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये मैं फिर से बोल रही हूँ ये क्विक रिविजन है तो आपको डिटेल में ये चैप्टर एनसीईआरटी के बुक से एंड जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रही हो उससे अच्छे से पढ़ लेना है एंड दिस इज अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो मेनली रेस्पिरेशन हम ब्रीदिंग को से रिलेटेड होता है दैट मीन्स ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है फूड को ऑक्सीडाइज कर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेनली कार्बोहाइड्रेट उसके ऑक्सीडेशन करता है राइट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन होता है इन हायर प्लांट्स। ओके, सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हायर प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड द मेन थिंग इज दैट कि इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होता है जो बाकी सारे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट्स के अंदर होंगे उसमें एनर्जी सप्लायर का काम करता है। सो हाउ द एनर्जी इज टेकन फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज इज द मेन थिंग अबाउट रेस्पिरेशन। ओके, सो ब्रीदिंग मीन्स ऑक्सीजन प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर से थ्रू स्टोमेटा लेंगे एंड उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन ये फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड मेनली ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स स्पेशली एंड मेनली कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा भी फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। सो ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन प्लांट्स में होता है। सो व्हाट अबाउट द अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स में भी हो सकता है राइट। सो जो भी एनिमल्स आर मेनली हेटरोट्रॉफिक होते हैं दैट मीन्स हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, दैट मीन हर्बीवोर्स मीन्स जो दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस ग्रीन प्लांट एंड कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं तो दैट इज द group of animals they are mainly depend on upon this photosynthesis for their food right। photosynthesis ke baad plants mein jo food form hota hai isi ko herbivores and carnivores animals eat karte hain। against saprophytes like fungi are also dependent upon this photosynthetic procedure so that's why all the food required for the life process comes from photosynthesis। pure biosphere mein jo bhi food जरूरी होता है जो लाइफ प्रोसेस में एनर्जी देता है ये मेनली इसका सोर्स है फोटोसिंथेसिस राइट। सो रेस्पिरेशन इज अगेन डिवाइडेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल। जो सेल के अंदर जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है एंड फाइनली एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन एंड द ट्रैपिंग ऑफ द एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एक्चुअली एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपीज के बॉन्ड में ही एनर्जी स्टोर होता है राइट। सो ट्रैप कर लेते हैं बॉन्ड में एटीपी फॉर्म करके। सो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर ऑकरिंग इन साइड द सेल ऑफ दिस प्लांट्स। ओके, now respiration is mainly the breakdown of carbon-carbon bonds of complex molecules। कोई भी complex molecules का carbon-carbon bond को break करेगा through oxidation। so the main chemical process is oxidation within the cell leading to the release of considerable amount of energy। okay, and this energy is stored inside ATP। okay, now what are the respiratory substrate? the compound that are oxidized is mainly the respiratory substrate। it can be carbohydrate, it can be fatty acid, it can be proteins right। so they are the substrate, respiratory substrate। so जो ये respiration है it is
इज अ मल्टी स्टेप एंड स्लो प्रोसेस. बहुत सारे स्टेप्स हैं एंड ये स्लो प्रोसेस है. इसमें दिस इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. सो बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व है एंड केमिकल एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी में ये केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है एंड दे विल ब्रोकन डाउन व्हेन एवर नीडेड. कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए हो तो ये एटीपी मॉलिक्यूल ही यूज होता है एंड इससे एनर्जी मिल जाती है. सो एटीपी एक्ट्स एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो सेल्स का जो भी एनर्जी करेंसी है दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, नाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? यस, डेफिनेटली दे प्लांट ब्रीथ करते हैं एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ओके, सो ऑक्सीजन लगेगा रेस्पिरेशन के लिए एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. राइट, नाउ प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज. कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्लांट्स के अंदर नहीं होता जो रेस्पिरेशन के लिए या फिर गैसियस एक्सचेंज. दैट मीन्स एटमोसफियर से ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इसको बाहर छोड़ रहे हैं, इसके लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है. ये मेनली होता है थ्रू स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स. ओके, स्टोमाटा मेनली लीव्स में रहता है एंड लेंटिसल्स जो बार्क में या फिर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जो पोर्स और गैप रहता है, सो दैट इज कॉल्ड लेंटिसल्स. सो स्टोमाटा एंड लेंटिसल्स से ही रेस्पिरेशन होता है एंड सो इसलिए यही जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल से होंगे. सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. C6H12O6, दैट मीन्स ग्लूकोज. सो ग्लूकोज इज द फेवरेबल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फॉर रेस्पिरेशन एंड 6CO2 इज नीडेड फॉर दैट एंड फाइनली 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगी एंड एटीपी एनर्जी रिलीज होगी. राइट, सो इन प्लांट्स रेस्पिरेशन रिजल्ट रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड कपल्ड विद एटीपी सिंथेसिस. तो थोड़ा हीट भी जनरेट होगा एंड ऑल्सो एटीपी सिंथेसिस हो जाएगी. राइट, नाउ यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन. ओके, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन हैपन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सो इस उस एनएरोबिक कंडीशन में दैट मीन्स जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो सकती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी. ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. राइट, सो इसका एक मेन जो स्टेप है और ये होता है थ्रू अ साइकिल, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. सो इट इज नॉट अ साइकिल, सो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसीडियर के थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. सो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ ग्लाइकोलिसिस जो ये रिएक्शंस मल्टी स्टेप रिएक्शंस है ये एम्बडेन मेयरहॉफ एंड पार्नस 3 साइंटिस्ट ने फर्स्ट इसको दिया था. सो दैट मीन्स डिस्कवर किया था. सो दैट्स व्हाई द पाथवे इज आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. नाउ एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, हमारे बायोस्फीयर में बहुत सारे एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स है जो ऐसे सिस्टम में ग्रो करते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती. सो उनके लिए ये ग्लाइकोलिसिस स्टेप ही पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसीडियर है. सो इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर देम. लेकिन ये दूसरे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें ये ग्लाइकोलिसिस होती ही होती है इन साइटोप्लाज्म. सो ग्लाइकोलिसिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन मेनली होता है साइटोप्लाज्म में इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट पर्टिकुलरली जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बस ग्लाइकोलिसिस ही होती है. राइट, इसमें ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होकर 2-pyruvic एसिड प्रोड्यूस करता है. ओके, सो यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये पाइरुविक एसिड तक ही ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसके फुल ऑक्सीडेशन नहीं होती. सो दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग दैट यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की. सो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड. ग्लूकोज इज 6-carbon कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स पाइरुविक एसिड फॉर्म होगा. पाइरुविक एसिड इज अ 3-carbon कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई 6-carbon विल प्रोड्यूस from 1 molecule of glucose 2-pyruvic acid will be produced. Right, now so the end product of photosynthesis ka end product kya hai? Sucrose in the form of starch. Now this end product sucrose invertase ek enzyme hai jiske through convert ho jate hain glucose and fructose mein and finally ye glucose and fructose through glycolysis
प्रोड्यूस करता है पाइरूविक एसिड. नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ दिस पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड का क्या फेट होता है, क्या होता है उसके बाद. सो इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ये पाइरूविक एसिड डायरेक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है. सो इट इज गो टू एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स क्रेब्स साइकल्स में घुस जाता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस फर्मेंटेशन भी हो सकता है. सो दिस इज अनदर प्रोसीडियर. सो फर्मेंटेशन में दो टाइप का फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके, सो लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेनली ईस्ट में होता है, जहां पे पाइरूविक एसिड फॉर्म करते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड यहाँ पे इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बिकॉज इथेनॉल फॉर्म होता है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मेनली बैक्टीरियाज में होता है एंड ह्यूमंस में भी होता है या फिर एनिमल्स में भी होता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. राइट, सो दीज आर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन. सो पाइरूविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट है, इस ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में यही एंड प्रोडक्ट है. एंड इसके अलावा वे भी फर्मेंटेशन एक अलग प्रोसीडियर है. राइट, सो पहले हम ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देख ले. सो फर्स्ट ग्लूकोज जो है सिक्स कार्बन कंपाउंड, ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फॉर्म करेगा. ओके, सो ऑल बोथ आर सिक्स कार्बन कंपाउंड. यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स एनर्जी यूज होगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में. नाउ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में. यहाँ पे भी अनादर एटीपी इज रिक्वायर्ड, एटीपी चाहिए जो फॉर्म करेगा फ्रुक्टोज 1,6-बीस फॉस्फेट. ये अगेन सिक्स कार्बन कंपाउंड है. यहां से ट्रायोज फॉस्फेट फॉर्म हो सकता है. इसका ट्रायोज फॉस्फेट जिसका जो कंपाउंड का नाम है ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, ये अगेन 3-कार्बन कंपाउंड है. एंड ये कन्वर्ट हो सकता है अगेन अनादर ट्रायोज फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दैट मीन ये भी 3-कार्बन. सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल. ओके, अगेन नेक्स्ट स्टेप में एनएडी प्लस रिक्वायर्ड है, जो NADH एंड H प्लस जेनरेट करेगा. दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज बिस फॉस्फेट फॉर्म होगा, 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये अगेन 3-कार्बन कंपाउंड है. नाउ ये चार्ट आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में है एंड इसके साथ जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है यहाँ पे ये सारे कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है, दैट मीन्स पी गैल एक्सेट्रा. सो आपको ट्रायल्स फॉस्फेट भी जानना है, इसका केमिकल नेम भी जानना है एंड इसका शॉर्ट फॉर्म भी जानना है. सो ये सारे आप इस चार्ट में भी मेंशन कर सकते हो, इसको मॉडिफाई करके अपना खुद का चार्ट बना सकते हो जो आपके हैंड रिटन नोट्स में रहेगी. एंड फाइनली आप जब रिवाइज करोगे तो वो चार्ट ही अगर पढ़ो तो पूरा चीज आपका रिवाइज हो सकता है. राइट, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 3-कार्बन कंपाउंड है ये फॉर्म करेगा 2-ट्रायोज फॉस्फेट, दैट मीन्स 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहां पे 1 मॉलिक्यूल एटीपी जनरेट होगी. ओके, नाउ ये कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट, यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज होगी एंड फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड, यहां पे एटीपी रिलीज होगी. तो पूरा ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल हमें एटीपी चाहिए, अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट भी हो रही है 2 स्टेप में. अगेन फर्स्ट और एक क्या हो रहा है, यहाँ पे एनएडीएच प्लस एच प्लस भी फॉर्म हो रहा है. ओके, सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दैट इज पाइरूविक एसिड. ओके, नाउ ये जो फॉर्मेंटेशन प्रोसीडियर है इसमें क्या होगा, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस, दैट मीन्स ग्लूकोज मल्टी स्टेप के बाद ये आएगा ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, यहां से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां से फॉस्फिनोल पाइरूविक एसिड, यहां से फॉर्म होगा पाइरूविक एसिड. नाउ दिस पाइरूविक एसिड कैन डायरेक्टली गो टू एरोबिक रेस्पिरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन गो टू फॉर्मेंटेशन प्रोसीडियर, जहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, यहां पे एनएडीएच एंड एच प्लस यूज होगा एंड एनएडी प्लस फॉर्म कर देगा. एंड अगेन पाइरूविक एसिड मल्टी स्टेप से इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, यहां पे भी NAD प्लस रिलीज होगा, NADH यूज हो जाएगी. राइट,
Now come to fermentation. So ye have overall those steps of fermentation. So fermentation jo yeast mein hota hai, that is ye again incomplete oxidation of glucose hai under anaerobic condition, jisme pyruvic acid, ethanol and carbon dioxide form karte hai. Isme do important enzyme use hota hai. Pyruvic acid decarboxylase और alcohol dehydrogenase. So ये fermentations के enzymes हैं. Lactic acid is produced in some bacteria में lactic acid हो सकता है. All animals during exercise lactic acid form करेगा and इसमें जो enzyme काम आएगी that is lactate dehydrogenase. Okay, the main thing है जो वो respiration fermentation के बाद बहुत ही less energy release होता है, almost 2 ATP generate होता है, 2 molecules of ATP. Not all of it trapped as ATP. जो भी energy release होता है, ये सारे ATP में trap नहीं होते. So that's why only two molecules of ATP will be generated, and it is again a hazardous process. Why? Because इसमें lactic acid, ethanol ये सब form हो रहा है ना, alcohol और acid. So और cell के अंदर ये सारे compound की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है. इससे ज्यादा अगर परसेंटेज में लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल जनरेट हो गया तो ये एज अ पॉइजन काम करता है. सो दैट्स व्हाई द होल फर्मेंटेशन प्रोसीडियर कैन बी हैजर्डस, राइट. नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ही पाथवे आपको पढ़ना है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड जो डायरेक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन में घुस सकता है या फिर फर्मेंटेशन कर सकता है, राइट. फर्मेंटेशन अगेन आर ऑफ टू टाइप, alcoholic and lactic acid, right. Now what is aerobic respiration? Aerobic first difference, तो यहाँ पे आप लोगों को difference भी पढ़नी है aerobic and anaerobic respiration की. So aerobic respiration जो है this is takes place within mitochondria, whereas anaerobic respiration हमारे cytoplasm में हो रहा था. Aerobic respiration will occur inside mitochondria, right. वहां पे anaerobic में oxygen is not required, aerobic respiration में oxygen is required, right. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, वेर एज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा इन एरोबिक रेस्पिरेशन में. एंड इट विल रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वॉटर रिलीज होगी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. वेर एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन में only two molecules of ATP will generate after all this thing and less and कोई भी जो भी energy release होगा उसका amount बहुत ही कम होता है, right. And common in higher organism. Higher organisms में mainly aerobic respiration होता है, right. So this is the end of the part one of this quick revision of this chapter. इसके जो भी part two मैं बनाऊंगी उसमें बाकी जो chapter है उसका quick revision करेंगे. अगर आपने मेरा दूसरा video नहीं देखा है तो please go and watch those videos also. And if you like my videos, please do subscribe to Epistasis. Till then, take care and bye bye.